डायलेक्टल सिनोनिम बहुत ही इजी से कंसेप्ट है. इट मीन्स दैट द वर्ड्स विच कन्वे द सेमनेस और नियरनेस ऑफ मीनिंग्स इन वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है, कि वर्ड्स जो हैं वो डायलेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो हैं उनकी मीनिंग में सेमनेस आएगी, नियरनेस आएगी. यानी कि अगर हम अब डायलेक्ट्स क्या होते हैं, डायलेक्ट्स अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ. डायलेक्ट्स मीन के आप समझें कि आप किसी इलाके में रहते हैं, आपके जो डिफरेंट इलाका होगा आपके करीब करीब ही चले जाएंगे. मतलब आप समझ लो कि आप रहते हो सियालकोट में, तो वहाँ पे ना बात करने का अंदाज़ डिफरेंट है, वहाँ की उनकी बोली डिफरेंट है, उन्होंने जो वोकेबलरी यूज़ करनी है उनके मीनिंग्स डिफरेंट है. और तो इस सारी चीज़ों में ना डायलेक्ट में आपकी यही आ जाती है, ग्रामर आ जाती है, वोकेबलरी आ जाती है, आपका एक्सेंट आ जाता है. अब एक रीजन में रहते हुए आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे रीजन से वेरी कर रही होंगी. कहीं भी जाएंगे अक्सर ऐसे होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो अगला बंदा पहचान लेता है कि आप इस डायलेक्ट मतलब इस रीजन से बिलोंग करते हैं. यानी मोस्टली सियालकोटी लोगों को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं कि आप सियालकोट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपने उनकी ज़ुबान से पहचान लिया उन्हें. तो उनकी ज़ुबान जो थी ना, वो जो जिस अंदाज में बोल रहे थे उसको हम डायलेक्ट कहेंगे. अब यही चीज़ है कि कुछ रीजन्स में ना उनके वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. लाइक अगर मैं रह रही हूँ गुजरांवाला में रह रही हूँ, तो मेरे यहाँ कुछ वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग डिफरेंट होगा, लेकिन मैं किसी और रीजन में जाऊँगी तो उनको उसी वर्ड को उन्होंने डिफरेंट एंगल में लिया होगा. अब जैसे कि बेस्ट साउंड यहाँ पे एग्जांपल है आपके सामने अमेरिकन और ब्रिटिश डायलेक्ट की. अब देखिए अमेरिकन में क्या बोलते हैं, वो अपार्टमेंट बोलते हैं, ब्रिटिश में वो अपार्टमेंट को फ्लैट बोलते हैं. एक ही वर्ड था उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर लिए. तो ये चीज़ है कि इसी को हम कहेंगे डायलेक्टल सिनोनिम, क्योंकि उनके डायलेक्ट्स के हिसाब से उनके सिनोनिम्स हो रहे हैं. यानी कि हम भी इवन यूज़ कर रहे होते हैं, हम कभी अपार्टमेंट भी यूज़ कर लेते हैं, हम कभी फ्लैट भी यूज़ कर लेते हैं, हम दोनों डायलेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हम मिक्सअप कर रहे होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट है. ठीक है, और इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है, यानी इन दोनों को, दो वर्ड्स को एक ही चीज़ कंसिडर किया जा सकता है, इसको हम कहेंगे डायलेक्टल सिनोनिम. और भी बहुत सी एग्जांपल हैं आपके सामने, जैसे थिएटर, थिएटर जो है उसको तो चलो थिएटर ही कहते हैं. इसके अलावा वोकेशन, हॉलीडे, चिप्स, क्रिस्प और फ्राइज़ को ये चिप्स कहते हैं. अमेरिकन सॉरी ब्रिटिश वाले फ्राइज़ को क्या कहते हैं, चिप्स कहते हैं. हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, हम कभी चिप्स भी बोलते हैं, हम कभी फ्राइज़ भी बोलते हैं. इसी तरह अमेरिकन में मूवीज़ बोला जाता है, ब्रिटिश में सिनेमा बोला जाता है. तो इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.